हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी सो लेने दो, उठकर बताता हूँ क्या हुआ था। तो अब देख रहे हो, हमारा ऐसे ही बैकग्राउंड हुआ करेगा। लॉल यहाँ बात करने मुबीन, हमारा ऐसे ही बैकग्राउंड हुआ करेगा। ये तो अब आप सुबह सुबह उठे हो, ठीक है, छत पर आए हो, मौसम प्यारा है, फजर से पहले मतलब फजर के बाद का टाइम है, लेकिन धूप नहीं निकली और सामने बादल और व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। तो वहाँ पे फोटो शूट ना करना, पिक्चर्स ना खींचना, अपने अंदर का फोटोग्राफर को ना जगाना, ये तो फिर गलत बात हो गई ना। हमने भी ऐसे ही किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ यहाँ, क्या हाल चाल है आपके? तो गैस अभी दिन के ना तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, उठ चुका हूँ, नींद पूरी हो चुकी है। लेकिन अनोनिमस की पब्लिक, आज का ब्लॉग जो था ना, वो था मेरे एक और ड्रीम के बारे में, जो कि है, अच्छा बाकी बातें बाद में, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब चरपाई को टूट जाती है ना, छत पे ला के फेंक देते हैं। तो मतलब यहाँ पे यही होता है, जो काम की चीज़ नहीं रहती उसको उठा के छत पे ला के फेंक देंगे। तो सामने पड़ी थी, मैंने चेक किया कि व्यू अच्छा सा है, सर्वाइवर बट नहीं आ रहा। तो आज का जो व्लॉग था वो था मेरे एक और शौक के बारे में। सीन कुछ ऐसा आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तुर्की में कोई जगह देखी, तो आपको वो मोबाइल में देख के या कंप्यूटर में या टीवी में देखे वो मज़ा नहीं आएगा, जो आपको वहाँ पे जाके आएगा। तो एक ऐसे ही शौक था मेरा कि मैंने सनराइज़ और सनसेट खुद से शूट करना है, और उसका अलग ही मज़ा है। हालांकि आप टीवी में देख सकते हो, बट जो चीज़ खुद से की जाती है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो मैं सुबह, आपको पता, उठा ही होता हूँ, मैंने सनसेट और सनराइज़ जो है ना, वो रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया, और यही मकसद था इस व्लॉग को बनाने का। सब रिकॉर्ड करते हैं पहाड़ से, ऊँची बिल्डिंग से, मुझे रिकॉर्ड करना था मेरे ही घर की छत से। तो बस फिर क्या था, आपका अनोनिमस चढ़ गया छत पे और रख दिया कैमरा, और बस वेट 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 होने लगा। और फिर बहुत ज़्यादा वेट के बाद कुछ ऐसा हुआ। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। पता है, मैं कैमरा ऊपर सेट किया था, ये ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कैमरा सेट किया, और वो था एक मेरा स्टैंड था, उसके ऊपर मैंने अपना फ़ोन लगा दिया। जहाँ से सूरज निकलना था, पहले एक ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ पे सेट किया और नीचे चला गया, क्योंकि उसमें टाइम लगना था, डेफिनेटली सूरज ऊपर आता। तू बोल ले भाई, क्या डेफिनेटली सूरज ऊपर आता। ये कौवा मुझे ना ख़तरनाक लग रहा है, बार बार मेरे सर के पास से गुजर रहा है, अल्लाह पूछे। हाँ, तो हम कहाँ थे कि जब सूरज ऊपर आता उसमें टाइम लगता है, तो मैंने कैमरा तो रख दिया ऊपर। अब मुझे डर था कुछ चील कौवा आके मेरा स्टैंड और मेरा मोबाइल ना ले जाए, हालांकि बहुत फजूल डर है, लेकिन जब अपना फ़ोन अब ऐसे छत पर रख के जाओगे ना, वो भी एकदम ऊपर, और फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो मैं काफ़ी बार ऊपर आके चेक कर रहा था कि मेरा मोबाइल तो जगह पर है, तो लेकिन सारे पैसे उस सीन के हैं जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अभी सनसेट का रहता है, सनराइज़ का मतलब सूरज निकलने का तो हमने कर लिया, सूरज गुरूब होने का हमने अभी तक नहीं किया, तो वो भी करना है। ये मेरे किराए के एक्टर हैं, इन सबको मैंने बोला था कि भाई तुम अच्छे से एक्टिंग करना, अच्छे से साइकिल गुजारना, मैं तुम सबको सेलेंटी लेके दूंगा। लेकिन नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता, एक्टिंग तो अच्छी करनी है। वो देखो, एक दूसरे में साइकिल घुसा रहे हैं, मतलब नहीं क्या, सारे एंगल की
बैंड बजा दी और पीछे देखो पूरी फौज खड़े होकर देख रही, ओ कैमरा है, लड़का वीडियो बना रहा है, ये इनको देखो, आहा नहीं ठोक दो भाई, ठोक दो साइकिल, पिंडी दिखाओ कि हम पिंडी में रहते हैं, मारो साइकिल, गिरा दो एक दूसरे को, नहीं मतलब क्या, वो छोटा पीछे रह गया, उसके पैडल छोड़े छोड़े ना, आराम से साइकिल चल रही है, भाई तू आगे आ जा भाई, गुजर जा, जल्दी गुजर जा भाई, आहा क्या नज़रें हैं तेरी भाई, वाह 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 वाह, तू भी आ जा भाई। पता है सब काम ठीक हो गए एक काम को छोड़ के, ये अंकल को ना टैंकी यहाँ नहीं लगानी चाहिए थी, इन्होंने जो ना मेरा सूरज गुरूब होने वाला सारा सीन बैंड बजा दी मेरे सीन की, कितनी बुरी बात है। अंकल को पता था कि मैं कुछ साल बाद यहाँ पे कैमरा लगा के ना सूरज डुबाने वाला सीन रिकॉर्ड करूँगा, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी टैंकी वहाँ लगा दी। मज़ा तो आपको आया होगा बट फीलिंग बैड बिकॉज टैंकी वॉज देयर एंड सीन ख़राब, बट कोई ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, सपोर्ट करते रहो, इंशाल्लाह नई वीडियो जल्दी आएगी। लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़। आई नो मेरी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि मैं, तू बोल ले भाई।